हम सबके फेवरेट द ग्रेट कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट, हम सब तारों की धूल से बने हैं। हमारे डीएनए में जो नाइट्रोजन है, दांतों में जो कैल्शियम है और खून में जो आयरन है, वो सभी सालों पहले किसी तारे में ही बने थे। इन तारों के ओरिजिन को समझना हमारे लिए अपने ओरिजिन को समझने जैसा है, और तारों के ओरिजिन को समझने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या होगी। ये है करीना नेबुला, एक स्टेलर नर्सरी, ब्रह्मांड में वह जगह जहां तारों का जन्म होता है। यह हमसे 8,850 लाइट ईयर्स दूर है और इसका डायमीटर 460 लाइट ईयर्स है। इस तस्वीर को नासा ने 12 जुलाई 2022 को रिलीज किया था। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी चांदनी रात में इस माउंटेन की तस्वीर ली गई हो, लेकिन रियलिटी में ये धूल और गैसों का बादल है और इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 7 लाइट ईयर्स है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि इन पहाड़ों से कुछ भाप जैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये असल में हॉट अविनाश्ड गैसें हैं जो रेडिएशन की वजह से इस नेबुला से बाहर निकल रही हैं। इस नेबुला में दर्जनों ऐसे तारे हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से 50 से 100 गुना ज्यादा है। इस नेबुला में मौजूद बहुत सारे तारों को हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि ये तारे गैस और धूल के बादलों में छिपे हुए थे, और अब जेम्स वेब की मदद से हम इन नवजात तारों को देख पा रहे हैं, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड में फंक्शन करता है, इसलिए यह धूल और गैस के आर पार भी देख सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे कि जेम्स वेब द्वारा ली गई तस्वीर में हम बहुत ज़्यादा नए तारों को देख पा रहे हैं। करीना नेबुला को तारे बनाने की मशीन कहा जाता है। इस नेबुला को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ये समझ सकते हैं कि तारों का जन्म कैसे होता है। तो इस वीडियो में तो हमने तारे के जन्म के बारे में जाना, लेकिन अगर आप किसी मरते हुए तारे के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक है, आप उसे देखकर अपनी नॉलेज को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।